Hey everyone, I'm Dipankar and welcome back to my channel. So, कुछ ही दिनों बाद आने वाला है OMG2, जहाँ पर हम लोग शिव जी के अवतार में अक्षय कुमार को देख पाएंगे. तो ये वाला जो रेफरेंस फोटो है वो मैंने आज की वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो सब लोग ही शिव जी को ड्रॉ कर रहे हैं. तो मैंने भी सोचा चलो आप लोगों के लिए स्पेशल ये रेफरेंस फोटो को लेकर आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल दिखाया जाए. तो आज मैं पूरा ड्राइंग एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, एडिटिंग से लेकर पूरा जो लूम स्मैचिंग से ड्राइंग का जो पार्ट है वो भी. तो वीडियो के एंड तक अच्छे से देखना, रेफरेंस फोटो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से डाउनलोड कर लेना. सो चलो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले तो हम लोग रेफरेंस फोटो के ऊपर जो लूमिस मेथड का लाइंस है वो ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर मैं हाई पेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी है मेरे चैनल में, आप लोग ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, उसका लिंक है या फिर चैनल में भी आप लोगों को मिल जाएगा. तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग डिटेल में वो वाला वीडियो भी देख सकते हो. सो हाई पेंट में मैंने जो रेफरेंस फोटो है वो ले लिया है, और जो यहाँ पर शेप्स का जो टूल है प्लस बटन से, वहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पर अप्लाई करूँगा. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिंपली एक न्यू लेयर में हमें फेस को दो वर्टिकली एरियाज़ में डिवाइड करना है. तो मैंने वो कर लिया. अब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फेस यहाँ पर नीचे से एंगल है तो यहाँ पर फेस का जो हॉरिजॉन्टल लाइंस था वो थोड़ा कर्व होगा. तो यहाँ पर मैं सर्कल को ऐसे कर्व लाइन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो एरिया मुझे नहीं चाहिए उसे ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ. तो मैंने ऐसी एक कर्व लाइन बनाया और उसे ऐसे कॉपी कर करके जो हमें तीन लाइन चाहिए होगा वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. स्टेप्स को समझो, यहाँ पर एक लाइन को ही मैं कॉपी करके ऐसे तीन बनाया, और जो फोरहेड का जॉइनिंग पार्ट है हेयर से, वहाँ पर आईब्रोज में जो नाक का एंड पोजीशन है वहाँ पर, और नीचे जो ये चिन का पोर्शन है उसमें मैं ये जो लाइन्स दे रहा हूँ. तो टोटल यहाँ पर चार लाइन हुआ. तो ये देखो चार पोर्शन करीब करीब सेम साइज में है, पर नीचे की तरफ क्योंकि फेस नीचे से एंगल है तो नीचे की तरफ जो चिन का पोर्शन है नाक से चिन तक वो थोड़ा यहाँ पर बड़ा दिख रहा है. अब बाकी क्या कर रहा हूँ, अब बाकी साइड में ऐसा एक जो स्क्वीज्ड ऐसा एक सर्कल होता है वो मैं दे रहा हूँ, दोनों साइड में दे दिया. अब जो मेन सर्कल है वो दे रहा हूँ. एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप लोग रेफरेंस फोटो के ऊपर जो लूमिस लाइंस है वो ड्रॉ कर रहे हो तब सर्कल को एकदम बाद में दो, पहले वो डिविशंस कर लो, स्क्वायर या फिर जो एंगल्स है वो बना लो, उसके बाद सर्कल दो. पर जब आप लोग ड्राइंग करोगे तब सर्कल से पहले स्टार्ट करना. तो ये इजी वे है, तो इसे आप लोग थोड़ा समझ के करो. तो यहाँ पर देखो रेफरेंस फोटो में मैं बाकी जो लाइंस है वो कंप्लीट कर लिया है. अब छोटा मैं ये जो लाइन है उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड है उसे थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में कर लिया. अब इसे मैंने सेव कर लिया 3 डॉट में क्लिक करते हुए. सो रेफरेंस फोटो रेडी है. मैं ये वाला रेफरेंस फोटो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप लोग खुद से भी बना सकते हो मेरा वाला देख देख कर. ओके, अब ड्राइंग शुरू करेंगे. ड्राइंग के लिए ये मैं यहाँ पर नॉर्मल कार्टेज शीट का यूज़ कर रहा हूँ, A4 साइज का. और पूरा जो ड्राइंग है वो तीन स्टेप में होगा. फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शन लाइन, सेकंड स्टेप में बेसिक शेप एंड थर्ड स्टेज में डिटेलिंग. तो चलो करते हैं. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वर्टिकल एंगल्ड लाइन है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, इसे वो जो चार समान पॉइंट्स है उसमें डिवाइड कर देना है. समान नहीं बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड फोटो है, मतलब नीचे का एरिया थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ऊपर का एरिया थोड़ा कम दिख रहा है. तो जो डिविशंस होगा वो भी ऊपर की तरफ थोड़ा पास होगा और नीचे की तरफ थोड़ा दूर. तो पहले तो मैं बीच का जो यहाँ पर आईब्रो का लाइन है वो पहले कर लिया, और उसके बाद ऊपर और नीचे जो बाकी डिविशंस है वो बनाऊंगा. यहाँ पर रेफरेंस फ़ोटो को देख देख कर करो, और जो लूमिस मेथड का जो लाइंस है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट स्टेज है. फर्स्ट लेयर आप लोगों का जितना एक्यूरेट होगा सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में जाके पूरा जो ड्राइंग प्रोसेस है वो उतना ही ईजी होता जाएगा. ओके, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हो कि जो नीचे का जो पोर्शन है वो ऐसे ही बहुत बड़ा है, मिडिल वाला थोड़ा ऐसे कम है, और एकदम ऊपर वाला थोड़ा छोटा है. तो ऐसे धीरे धीरे बड़ा हुआ है. अब मैं नाक से पहले ड्रॉ करना शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर एंगल का फोटो है तो नाक का नीचे का पोर्शन, नोज होल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो उस एरिया से ही मैं यहाँ पर ड्रॉइंग शुरू करूँगा, और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊँगा. तो अब जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे देखो और समझो. Thank you.
नोज और आईब्रोज से तो सबसे पहले आप लोग को शुरू करना होगा मस्ट। उसके बाद आप लोग जो यहाँ पर फेस का आउटलाइन है वो भी कर सकते हो या फिर आँख को भी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेस के आउटलाइन और जो सर्कल है उसमें थोड़ा काम कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी प्रोपोर्शन जो है जैसे कि आँख उसमें काम करूँगा। तो यहाँ पर आँख के लिए देखो नीचे एक ऐसा हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर जो आँख का चार पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर कनेक्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो में आँख को बहुत ही अच्छे से देखकर आप लोग कॉपी करो, क्योंकि किसी भी फेस में आँख बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के आँख की तरफ ही, क्योंकि हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो उससे ही हम लोग उस फेस को पहचानते हैं। तो आँख जितना एकदम हुबहू होगा उतना ही आप लोगों का जो फेस है वो ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल होगा, तो उसमें ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि लिप्स, लिप्स को भी अच्छे से करना होता है क्योंकि आँख के बाद, क्योंकि लिप्स से मैंने बात किया जाता है तो उसके तरफ भी हम लोग ऐसे देखते हैं, तो वो भी अच्छे से मैच करना बहुत ज़रूरी है। बाकी फेस का जो बाकी एलिमेंट्स है, बाल हो गया या फिर बाकी चीज़ें, वो तो चेंज होता रहता है, तो उसमें कम टाइम देने से भी चलेगा, पर फेस को मेन जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा टाइम दो। तो ऐसे सेकेंड जो स्टेज है वो धीरे धीरे करो। अभी देखो उतना डिटेल में नहीं किया था, अब थर्ड स्टेज में जाकर जो डिटेलिंग है वो मैंने शुरू किया है यहाँ पर। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज अगर आप लोगों का ठीक बनाए तो थर्ड स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसे आप लोग इरेज करना है और जो लाइन आपको रखना है उसे अच्छे से डिटेल में देना है। तो ऐसे ही जो थर्ड स्टेज है वो कंप्लीट होगा। चलो ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनल लुक कैसा आया है वो देख लेते हैं। तो जो ड्राइंग है वो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट है। रेफरेंस फोटो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर कोई भी आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये। ओके, तो उसके साथ साथ चैनल में अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का एम रखता हूँ मैं सिर्फ 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो लेके आऊंगा। तो जल्द से जल्दी 100 लाइक्स कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, आप लोग नीचे कमेंट भी करना कि कौन से मीडियम में मैं पूरा जो ड्राइंग है वो करूँ। तो चलो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।